दोस्तों सड़क टू फिल्म के ट्रेलर ने YouTube पर डिसलाइक मिलने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। सड़क टू के ट्रेलर को YouTube पर 1 करोड़ से ज्यादा डिसलाइक्स मिले हैं। लोगों का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री के सितारों पर लगे नेपोटिज्म के आरोपों के चलते सुशांत के फैंस ने ट्रेलर का ये हाल किया है। अगर ये सच है तो फिर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के भाईजान बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अब सलमान खान को टारगेट करने का प्लान कर रहे हैं और क्यों ये सलमान के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों हाल ही में भाईजान के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस के नए सीजन का प्रोमो लॉन्च हुआ है। हालांकि प्रोमो लॉन्च होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैंस बिग बॉस के निर्माताओं को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सलमान शो को होस्ट करेंगे तो वो बिग बॉस 14 और सलमान खान का बॉयकॉट करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सलमान खान उनके फैंस के निशाने पर है, इसलिए बिग बॉस सीजन 14 के विरोध की मांग तेज हो गई है। इंटरनेट पर ऐसे तमाम यूजर्स की भरमार है जो सुशांत सिंह के मामले को लेकर सलमान से खफा हैं और उन्होंने शो का बहिष्कार करने की बात की है। सोशल मीडिया पर जैसा रुख है साफ है कि यूजर्स को कुछ सुनना ही नहीं है। यूजर्स का यही कहना है कि अगर सलमान खान में थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो उन्हें इस शो को होस्ट नहीं करना चाहिए। इंटरनेट देखकर साफ पता चल रहा है कि सुशांत के फैंस ने सलमान से खुला मोर्चा ले लिया है और वो झुकने को तैयार नहीं है। सीजन शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन जैसा लोगों का रवैया है और जिस तरह से नाराजगी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर छाई है, उसे देखकर इतना तो साफ है कि शो में सलमान के चलते TRP प्रभावित होने वाली है और बिग बॉस अपने दर्शक खोने वाला है। दोस्तों बता दें कि कलर्स टीवी ने शो का जो प्रोमो लॉन्च किया है, वीडियो में सलमान सिनेमा हॉल में बैठे पॉपकॉर्न खाते दिख रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2020 ने मनोरंजन की दुनिया पर प्रश्न उठा दिया है, लेकिन हम उत्तर देंगे और जश्न मनाते हुए सीन को पलटेंगे। दोस्तों वीडियो में इशारा कर दिया गया है कि जल्द ही ये शो कलर्स पर ऑन एयर होने जा रहा है। हालांकि अभी इस बात की जानकारी साझा नहीं की गई है कि शो किस तारीख को प्रसारित किया जाएगा। तो दोस्तों क्या आप भी बिग बॉस के फैन हैं? आपको बिग बॉस 14 का बेसब्री से इंतजार है या आप सुशांत के फैन हैं और आप भी बिग बॉस के सीजन का बॉयकॉट करने का विचार कर रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।